राज्य के उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार और उप निदेशक विभा कुमारी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे और जिला मुख्यालय में प्रस्तावित नए शिक्षण संस्थान के साथ महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज का भ्रमण भी किया। इस दौरान उनके साथ डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद भी शामिल हुए। सबसे पहले दोनों अधिकारियों के साथ सदर विधायक सोनू और गांडे विधायक सरफराज अहमद, डीसी नमन प्रियेश सदर प्रखंड के बटगुंडा पहुंचे, जहां सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी का निर्माण होना था, लेकिन बटगुंडा को फिलहाल पेंडिंग में रखकर नए स्थल के चयन की बात कही गई। इसके बाद सभी महिला कॉलेज गए, जहां पुराने भवन को तोड़कर नए भवन का निर्माण किए जाने की बात कही गई। महिला कॉलेज में ही प्रिंसिपल माधुरी सन्याल समेत कई लेक्चरर, उच्च शिक्षा के सचिव और उप निदेशक के साथ बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जब सभी गिरिडीह कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के प्रिंसिपल अजय कृष्ण और लेक्चरर बालिंदु शेखर त्रिपाठी ने जानकारी दी कि गिरिडीह कॉलेज में कई समस्याएं हैं। आधारभूत संरचना की बेहद कमी है, खासतौर पर परीक्षा में कई परेशानी होती है। इस दौरान उच्च शिक्षा के सचिव राहुल पुरवार ने कॉलेज परिसर में नए भवन निर्माण कराने की अनुमति दी। इसके लिए सचिव को नक्शा भी दिखाया गया, जिसमें फेर बदल कर निर्माण की बात कही गई। आज के यहाँ पे आने का उद्देश्य था कि जितना हमारा कॉलेज एजुकेशन है गिरिडीह में वो देख सकूँ मैं। आपके दो कॉलेज यहाँ पे मेन रूप से काम कर रहे हैं, गिरिडीह कॉलेज है, दूसरा महिला कॉलेज आरती महिला कॉलेज। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज हैं, टीचरों की कमी है और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, सबको आज हम लोगों ने देखा और उसके हिसाब से कार्य योजना तैयार करके हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से कॉलेज की विजिट देखा है उसको ठीक ठाक करें, बाकी बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो। साथ ही साथ हम कॉलेज के साथ साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पे और क्या संभावनाएं हैं, यदि विश्वविद्यालय बनने की संभावना तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम आगे टीचर की भविष्य की कामना को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग एजुकेशन के माध्यम से ही हम लोग को समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अच्छी आधारभूत संरचना और क्वालिटी टीचिंग होना बहुत जरूरी है। तो उसी दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज मैं यहाँ पे सबके साथ भ्रमण किया। अब उम्मीद है कि जल्दी इस पर हम लोग डिग्री कॉलेज को लेकर कुछ स्थल चयन वगैरह कोई डिग्री यूनिवर्सिटी वो देखा है कि हम लोगों ने, उसके बाद विचार विमर्श करेंगे उसको आगे कैसे हम लोग ले जाना है, कि क्या सूटेबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा, तो उसके बारे में सभी जो स्टेक होल्डर से उनके साथ बैठक करके इसको निर्णय लेंगे। महिला कॉलेज और ग्रेडी कॉलेज दोनों जगह में सर आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में लगभग शिक्षकों की बहुत कमी है। ये पूरे स्टेट की प्रॉब्लम है, राज्य की प्रॉब्लम है कि हर कॉलेज में चूँकि बहुत समय से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो बॉटल नेक्स हैं उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे 2018 का जो स्टैट्यूट है वो नहीं बन पा रहा था, वो अभी अप्रूव हो चुका है और उसके बाद में अभी जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु होता है कि रोस्टर क्लियरेंसेस का, उस पर कार्य चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर भी रोस्टर क्लियरेंस का मामला भी सेटल हो जाएगा, उसके बाद से हम रिक्रूटमेंट की ड्राइव की तेजी से। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, RO के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।